नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। हस्तमैथुन क्या सही क्या गलत की सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एक कॉमन धारणा की कि हस्तमैथुन या मास्टरबेशन करने से शारीरिक कमजोरी हो जाती है या फिर शारीरिक डेवलपमेंट रुक जाती है। क्या ये सही है? देखिए, ये बात आती कहाँ से है। ऐसा माना जाता है कि मास्टरबेशन करने के बाद जो वीर्य का डिस्चार्ज होता है, जो सीमन का लॉस होता है, उसमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ताकत होती है, और उस ताकत के नाश से या उस ताकत के लॉस से शरीर पे एबनॉर्मल इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये बात साइंटिफिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत स्टडीज हो चुकी हैं, बहुत रिसर्च हो चुकी है, सबका एक ही कंक्लूजन है कि मास्टरबेशन फिजिकल डेवलपमेंट को किसी भी तरीके से नहीं रोकता है। लोग अजीब सी बातें करते हैं, कई बार उनको लगता है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उनको लगता है उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे हाथ में नसें दिखना शुरू हो गई हैं और ये सब मास्टरबेशन की वजह से हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो ये साइंटिफिकली गलत है। मास्टरबेशन करने के इमीडिएटली बाद मसल्स रिलैक्सेशन के मोड में चली जाती हैं और आपको थोड़ा सा थकान नींद आ सकती है, लेकिन मास्टरबेशन का कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी फिजिकल ग्रोथ पे नहीं होता है। तो ये क्लियर कट टर्म्स में हम बोल रहे हैं कि मास्टरबेशन से फिजिकल डेवलपमेंट में कोई नुकसान नहीं होता है। हस्तमैथुन क्या सही क्या गलत के सीरीज में जुड़े रहिए, एक एक करके हम बाकी धारणाओं के बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से आपको सही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देते रहें तो सेक्सुअल सॉल्व्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।